Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khawateen Hazrat, Assalamu alaikum. Hope you fine. आज हमने डिस्कस करना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक बात याद रखिए कि मैं जो बेसिकली जो मेरे लेक्चर्स हैं ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो बिगनर्स हैं, क्योंकि मैं इनको बड़ा एक डिटेल में एक शुरू से डिस्क्राइब करने की चीज़ को कोशिश करता हूँ, ताकि जो एक बिगनर्स हैं उनको भी इस बात की कोई ना कोई समझ आ जाए। और अगर आपको किसी हवाले से भी समझ नहीं आती, इवन के जो न्यू कमर्स हैं या जो हमारे नए कोलीग्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, उनको अगर चीज़ किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मेरा ईमेल एड्रेस है देखनास्क। अगर आपको कॉल करना है, किसी चीज़ को पूछना है, तो यू कैन कॉल मी आफ्टर 9 PM, क्योंकि 9 बजे तक मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ के जब फ्री हो जाता हूँ, तो 9-10 बजे तक जो है वो मैंने जस्ट एक जो आपके सवाल जो आप देने के लिए एक टाइम रखा हुआ है। ओके जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का तो जो काम है वो बात बात है। सबसे पहले हमने देखना है कि वेरिएबल होता क्या है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी कह लें कि करेक्टरिस्टिक, कोई खसूसियत जो तब्दील हो सके, जो फिक्स ना हो, जो तब्दील हो सके, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। देखें, अगर आप ये वर्ड से, मैं ये कहता हूँ सिंपल, इन सिंपल टर्म्स, अगर आप लफ्ज को ही जानने की कोशिश करें, वेरिएबल, वेरी एंड एबल, वो चीज जो वेरी हो सके, चेंज हो सके, इस काबल, एबल इस काबल कि जो चीज वेरी कर सके, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जी जनाब, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। अच्छा, मैं बात कर रहा था वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली एक कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सके, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सके वेरिएबल कहलाती है, फिक्स ना हो। मसलन जिस तरह मैंने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, वेट, वेट तब्दील हो सकता है। जब आप छोटे थे तो आपका वेट कम था, जब आप बड़े हो गए हैं तो आपका वेट ज़्यादा हो गया है, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, ठीक है, तो ये बढ़ता गया है। इसी तरह हाइट, जब आप छोटे थे तो आप बिल्कुल छोटे थे, हाइट आपकी थोड़ी थी, उसके बाद आपकी 1 फुट 2 फुट 3 फिट 4 फिट 5 फिट एंड माशाल्लाह सो ऑन, तो होपफुली आपकी हाइट अच्छी होगी, नहीं भी अच्छी तो कोई बात नहीं, इसमें बहरहाल हाइट चेंजेबल है। उसके बाद क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी चेंजेबल है। कभी हम कहते हैं जी मैंने 1 दर्जन चीज़ें ले ली, फिर हम कहते हैं हमने 2 दर्जन चीज़ें दे दी, हमने 3 दर्जन चीज़ें ले ली, या हमने इस तरह करके जो है वो क्वांटिटी है वो चेंज होती है, 1 पेंसिल 2 पेंसिल 3 पेंसिल 4 चेंज हो रहा है ना। ये नहीं होता कि इस 1 पेंसिल के अलावा ये चेंज ही नहीं हो सकता, नो, इट मे बी चेंज। क्वालिटी, क्वालिटी भी तब्दील हो सकती है, जिस तरह आप कहते हैं यार इस चीज़ की बहुत बुरी क्वालिटी है, वेरी लो क्वालिटी, एक आप कहते हैं मॉडरेट क्वालिटी है भाई इसकी, एक आप कहते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक आप कहते हैं सुपीरियर प्रोडक्ट, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो क्वालिटी मे बी चेंज। यानी कि ये जो तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस आपसे की हैं ये चेंज होती हैं। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी, ये भी चेंज होता है। समटाइम आप बहुत डिप्रेसिव होते हैं, समटाइम थोड़े से डिप्रेसिव होते हैं, समटाइम शदीद किस्म के सीवियर डिप्रेसिव होते हैं आप, तो डिप्रेशन चेंज हो रहा है। एनजाइटी, समटाइम आप थोड़े से एनजाइटी के शिकार होते हैं, समटाइम बहुत ज़्यादा एनजाइटी का शिकार होते हैं, समटाइम मॉडरेटरी एनजाइटी का शिकार होते हैं। तो वो चीज़ जो चेंज हो सके वेरिएबल कहलाती है। जिस तरह आप पिक में देख सकते हैं कि ये एक कंसीडर के दिस इज द लेवल ऑफ डिप्रेशन, पहले थोड़ा डिप्रेशन एक बंदे की ज़िंदगी में, फिर थोड़ा सा यूं चेंज हुआ, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर कम हो गया उसका डिप्रेशन, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो इट मे बी, इट इज़ एबल टू चेंज। यानी ये चेंज हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, मॉडरेटली ये जा रहा है। तो हर वो चीज़ जो चेंज हो सके वेरिएबल कहलाती है। आप आगे साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, लिखेंगे भी, याद भी उनको करेंगे, तो आपके माइंड में एक बेसिक डेफिनेशन उसकी ये होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी फैक्टर, कोई भी फीचर, कोई भी करैक्टरिस्टिक, कोई भी खसूसियत, कोई भी चीज़ जो तब्दील होने की सलाहियत रखती है, जो तब्दील हो सके
या तब्दील हो रही है वक्त गुजरने के साथ साथ वो वेरिएबल कहलाती है। मौसम है, मौसम वेरिएबल है, कभी गर्म होता है, कभी थोड़ा सा गर्म होता है, कभी बहुत ज्यादा गर्म होता है, कभी सर्द होता है, कभी थोड़ा सा सर्द होता है, कभी बहुत ज्यादा सर्द होता है। तो मौसम जो है आपका एक है वो भी एक वेरिएबल है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। मेजर यहाँ पर हम वैसे तो वेरिएबल की बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन मेजरली हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दिस इज मोर फॉर द बिगिनर्स, तो उनको भी यही बात समझ में आनी चाहिए उनके कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। एक पहला जो कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब उनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसी खसूसियत जो के रिसर्चर के हाथ में हो, उसको मैनिपुलेट करे, उसको वो लागू करे, उसको वो कंट्रोल कर सके, उसको अपनी मर्जी से बढ़ा सके, मर्जी से कम कर सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, वो कहलाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे मैंने रिसर्च मसाले भी दिए आगे। रिसर्चर मैनिपुलेट डिफरेंट एज लेवल्स इन ऑर्डर टू चेक द इफेक्ट्स ऑफ एज ऑन इंटेलिजेंस। अब एज लेवल, रिसर्चर ने मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग ले लिए, अभी उसके अपने हाथ में है, वो जितने मर्जी लोग ले, जिस जिस मर्जी एज के लोग ले, उसके अपने हाथ में है ना। अब फॉर एग्जाम्पल उसने एक 10 साल का ले लिया लड़का, एक 20 साल का नौजवान ले लिया, एक 30 साल का अडल्ट ले लिया। अब डिफरेंट एज लेवल, वो यहाँ पर 15 का भी कर सकता था, 25 का भी कर सकता था, 35 का भी कर सकता था, यानी उसके अपने अख्तियार में है, रिसर्चर के कंट्रोल में है, वो चेंज करे, वो कम करे, वो ज्यादा करे। ऐसा वेरिएबल जो रिसर्चर के कंट्रोल में हो, जो जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करे, हो सकता था वो यहाँ पर इसको मैनिपुलेट ना करता, सिर्फ दो ग्रुप रख लेता, यानी उसने खुद डाले है ना। मैनिपुलेट का मतलब है कि खुद उस चीज में डालना, यानी वो ये दो ग्रुप ले लेता, हो सकता था वो एक ग्रुप लेता, हो सकता वो चार लेता है, उसके अपने हाथ में, वो जितने मर्जी जो वेरिएबल के जो फॉर्म्स हैं, वो जो वेरिएबल के हैं हिस्से हैं, या वेरिएबल के जितने भी पार्ट्स हैं, वो उसको मैनिपुलेट करे, वो उसके अपने हाथ में है। इसी तरह कंट्रोल भी वही कर रहा है, क्यों, वो 10 क्लास का बच्चा ले रहा है, वो 5 का भी ले सकता था, वो 15 का भी ले सकता था। जरूरी नहीं कि ये वो पीछे से लिटरेचर में लिखा हुआ आया कि 10 का ही होना है, 20 का ही या 30 का ही होना है, वो चेंज कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन ही ये है कि वो वेरिएबल जो मैनिपुलेट कर सके रिसर्चर, और वो रिसर्चर के ही कंट्रोल में हो, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे मिसालें, जैसे मैंने आपको कहा कि रिसर्चर मैनिपुलेट डिफरेंट एज लेवल्स इन ऑर्डर टू चेक द इफेक्ट ऑफ द एज ऑन इंटेलिजेंस। ये खैर रिसर्च का ये बात की बात है कि ये कौन सा ग्रुप है, डिजाइन है, आप इसमें सिर्फ वेरिएबल को समझें, ठीक है। बाद में इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है या कौन सा लग रहा है इसमें, वो हमारा भी कंसर्न नहीं है। तो इसमें आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिफरेंट एज लेवल्स, डिफरेंट एज लेवल्स, और उनका इफेक्ट किस चीज पे चेक किया जा रहा है, इंटेलिजेंस पे, कि 20 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 20 की 10 की कितनी होती है, 20 की कितनी होती है, और कुदरती तौर पर 30 की कितनी होती है। इसके अलावा फिर आगे रिसर्चर, अगली मिसाल जो है, रिसर्चर मैनिपुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीचिंग मैथड्स इन ऑर्डर टू चेक द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मैथड्स ऑन लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। यानी अब रिसर्चर यहाँ पर मैनिपुलेट क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मैथड्स, यानी टीचिंग जिस, एक और छोटी सी डेफिनेशन इसकी अगर आप ये भी याद रखें कि जिस चीज का इफेक्ट देखना हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जिस चीज पर देखना हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। वैसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी भी इसको, चूंकि ये लिंक है तो इसमें ये बात आ गई कि छोटी छोटी डेफिनेशन हैं दो, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन ये भी याद रखें कि वो चीज जो मैनिपुलेट की जा सके और कंट्रोल की जा सके बाय द रिसर्चर उसको मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सके वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी होता है जो जिसका इफेक्ट चेक किया जा रहा हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस पर किया जा रहा हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जिस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मैथड्स इन ऑर्डर टू चेक द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मैथड्स ऑन
लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। यानी अब यहाँ पे क्या है कि रिसर्चर क्या करना चाह रहा है, वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, मतलब बोर्ड के जरिए पढ़ाना एक अलग टीचिंग मेथड है, मल्टीमीडिया के जरिए पढ़ाना एक अलग टीचिंग मेथड है, और चार्ट्स के जरिए पढ़ाना एक अलग टीचिंग मेथड है, विदाउट एनीथिंग सिर्फ ओरली पढ़ाना एक अलग टीचिंग मेथड है, साइन लैंग्वेज के जरिए पढ़ाना एक अलग टीचिंग मेथड है, हियरिंग इंपेयर्ड जो बच्चे जो सुन बोल नहीं सकते उनको साइन लैंग्वेज के जरिए भी पढ़ाया जाता है वो एक अलग टीचिंग मेथड है, और उसके अलावा और डिफरेंट जो टाइप्स है। अब देखें ये खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं रिसर्चर, वो खुद ले रहा है, चाहे वो बोर्ड ले ले, मतलब इस एग्जांपल में जहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टीचिंग मेथड है उनमें वो बोर्ड के थ्रू पढ़ाना भी ले सकता है, चार्ट्स के थ्रू पढ़ाना भी ले सकता है, और मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाना भी ले सकता है। अब ये उसके अपने हाथ में है, वो जिस मर्जी मेथड को मैनिपुलेट कर दे, जिस मर्जी मेथड को रिसर्च में ले आए एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस मर्जी को ले, यानी कि ही इज इन द कंट्रोल, ही इज गोइंग टू मैनिपुलेट, एंड आईवी इज इन द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर। आईवी वही मैनिपुलेट कर रहे हैं, रिसर्चर ही मैनिपुलेट कर रहे हैं और वही कंट्रोल कर रहे हैं, और वो किस चीज पर इफेक्ट देख रहा है, लर्निंग परफॉर्मेंस पे। के क्या अब लर्निंग परफॉर्मेंस क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देख क्या रहा है, आया कि वो बच्चे जो प्रोजेक्टर को यूज करते हुए, मल्टीमीडिया का यूज करते हुए पढ़ते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, या वो बच्चे जो चार्ट्स के थ्रू, जो जिनको टीचर चार्ट्स के जरिए पढ़ाते हैं उनकी लर्निंग परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, या वो बच्चे जिनको व्हाइट बोर्ड के जरिए पढ़ाया जाता है, व्हाइट बोर्ड पे लिख के टीचर लेक्चर देता है, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है। यानी लर्निंग परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको चेक किया जा रहा है, और टीचिंग मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग पिल्स ऑन स्लीपिंग स्लीप इंड्यूसिंग एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, यस दिस इज। यानी रिसर्चर क्या जा रहा है कि कितनी गोलियां स्लीपिंग पिल की खाएं तो नींद आ जाती है, ये मैं आम दे रहा हूं, वैसे यहां पे लिखा हुआ हिस्टामिन पैरालिसिस को आप छोड़ दें, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसमें क्या है बेसिकली, ये एक गोली आप दे, ये नो, यहां पे कोई पिल नहीं है, ठीक है, बंदा जाग रहा है, यहां पर एक पिल है, एक कैप्सूल है, बंदा जाग रहा है, यहां पर दो कैप्सूल्स हैं, यानी क्वांटिटी बढ़ा दी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, पहले बात हुई थी ना कि चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल में है, अब रिसर्चर के कंट्रोल में था, उसने पहले एक किया, देखा कुछ नहीं हुआ, अब दो कैप्सूल एक ही जगह पे दो कैप्सूल, यानी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो यू कैन सी हियर डिजीनेस ड्रॉजीनेस, ठीक है, नींद आ रही है। अब उसने क्या किया, लेकिन सोया नहीं, उसने देखा कि दो कैप्सूल तभी सोता नहीं है, अब उसने बढ़ा दी क्वांटिटी, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो तीसरा लेवल है उसने तीन कैप्सूल, याद रखिए इंडिपेंडेंट लेवल वेरिएबल के लेवल्स होते हैं, किसी के दो लेवल होते हैं, यानी एक से ज्यादा लेवल होते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, आगे कितने मर्जी बना ले, बहरहाल एक से ज्यादा होते हैं। अब तीसरा लेवल क्या है, उसने फिर बढ़ा दी क्वांटिटी, तीन कर दी, बंदा सो गया, यानी वो देखना यह चाह रहा है कि कितनी गोलियां गोलियों से बंदा सोता है, कितनी कैप्सूल्स खिलाने से बंदा सोता है, इन शॉर्ट इन सिंपल टर्म। तो आपने देख लिया कि पहले जब कोई कैप्सूल नहीं खिलाया गया बंदा नहीं सोया, ठीक है, दूसरा कैप्सूल खिलाया गया बंदा एक, फिर एक कैप्सूल खिलाया गया बंदा फिर नहीं सोया, फिर दो खिलाया गया बंदा फिर भी नहीं सोया, लेकिन बहरहाल उसकी फीलिंग जो है वो ड्रॉजीनेस की आ गई, यानी कि अब वो आधा नींद में और आधा जाग रहा है। अब तीसरे कैप्सूल जब तीन दिए गए, पढ़ा दी गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तीसरा लेवल था, चौथा लेवल, सॉरी 1 2 3 4 चौथा लेवल जो है उसको बढ़ाने से बंदा सो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो देखना ये जो चाह रहा था कि कितने कैप्सूल देने से बंदा सोता है, तो ये जो अब कैप्सूल की जो मिकदार है वो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग पिल, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो स्लीप है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो हम पहले भी देख चुके हैं कि जिस चीज पर इफेक्ट देखा जाए वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अ वेरिएबल हूज वैल्यू डिपेंड ऑन एन अदर मोस्ट ऑफन इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है दूसरी चीजों पे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी इसके इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू होगा इसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब जिस तरह एक एग्जांपल दी हुई है, इफेक्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स ऑन प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो हम पानी देते हैं पौधे को, खादें डालते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है पौधे की ग्रोथ पे। जैसे जैसे हम पानी देते जाते हैं पौधा बढ़ता जा रहा है, मुसलसल दो दिन पानी देंगे पौधा इतना ही बढ़ेगा, चार दिन देंगे इतना नहीं बढ़ेगा, मुसलसल पानी देने से पौधा बढ़ गया। इसका मतलब ये है
कि जितना ज्यादा हम फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पौधे की ग्रोथ ज्यादा होगी। पौधे की ग्रोथ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि जितनी ज्यादा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका असर किस पे हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे।